नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और आज मैं आपके सामने एक नहीं दो दो मुद्दे लेकर आया हूं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मुद्दा नंबर एक, ईमान बदलते कांग्रेसी नेता। तमाम कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा जा रहे हैं, क्या उसके पीछे एक साजिश है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा मुद्दा, चुनाव आते ही सुशासन बाबू यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराधियों को पैरोल पर रिहा करना शुरू कर दिया है। ये राजनीति का कैसा स्वरूप है और क्या प्रधानमंत्री इस पर भी चुप्पी साधे रहेंगे, जैसा कि उन्होंने प्राज्वल रवन्ना के मामले में साधी हुई है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा की। जी हां, कांग्रेस की एक और प्रवक्ता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो है भाजपा का रुख करने वाली है। मगर आपने एक बात गौर की होगी दोस्तों, इन तीन चेहरों पर गौर कीजिएगा, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ और अब राधिका खेरा। इन तीनों ने जो पार्टी को छोड़ा तो उसमें एक ही समान चीज बताई जा रही है कि हमें राम भक्ति नहीं करने दी जा रही, हमें राम मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, इस तरह की बातें इन्होंने की। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम सभाओं में कांग्रेस को और विपक्ष को राम विरोधी बताते हैं। यहां तक कि कल प्रधानमंत्री ने अपनी एक सभा में यह तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आई तो लोग राम मंदिर को अस्पताल में बदल देंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? और अब जो भी कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा जा रहा है वो भी राम की दुहाई दे रहा है और ये बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, राधिका खेरा का ये बयान जो आपके स्क्रीन पर है, आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हां, लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने व देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। मगर अगर आप उनके खत पर निगाह डालते हैं जो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, उसकी आखिरी कुछ पंक्तियों पर गौर कीजिए दोस्तों। राधिका कहती हैं, मैंने हमेशा ही दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है, किंतु जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयं को हारा हुआ पाया। आगे देखिए, प्रभु श्री राम के भक्त वह एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूं। बार बार पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला तो इससे आहत होकर मैंने आज ये कदम उठाया। बार बार राधिका खेरा यह कह रही है कि जो जो राम भक्त है पार्टी के अंदर उस पर निशाना साधा जा रहा है, मगर क्या यह हकीकत है? राधिका खेरा यह भी कहती हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे राम मंदिर जाने को लेकर नाराज थे। और राधिका इस तस्वीर का हवाले देती हैं जहां पर वो दिखाई दे रही हैं, शायद अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ। राधिका खेरा सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि राधिका खेरा यह कहना चाहती हैं कि पार्टी के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर जो भी राम मंदिर जाता है उसके लिए मुश्किल पैदा की जाती है। तो चलिए मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश करता हूं। यह लिस्ट उन नेताओं की है जो राम मंदिर भी गए, दर्शन किए और उन्हें टिकट भी मिला चुनाव लड़ने के लिए। हां, कंगन को आरसी क्या दोस्तों, वो नाम आपके स्क्रीन पर और कुछ देर बाद मैं आपको तस्वीर भी पेश करूंगा। सबसे पहले शरणजीत सिंह चन्नी, ये देखिए राम मंदिर पहुंचे हुए थे, अब वो जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि राधिका खेरा झूठ बोल रही है। इसके बाद दीपिंदर हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उनके साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश जी भी हैं, सुप्रिया श्विनेत हैं, पंखुड़ी पाठक हैं और खुद दीपिंदर हुड्डा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। राधिका खेरा झूठ क्यों बोल रही हैं? आगे देखिए, अजय राय बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी राम मंदिर गए थे। विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए विक्रमादित्य पहुंचे हुए हैं। और उसी तरह से देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इस तस्वीर में एक बार फिर आप देख सकते हैं वो दीपिंदर हुड्डा के साथ दिखाई दे रहे हैं, सुप्रिया श्विनेत भी यहां पर हैं और
जैसा कि आप देख सकते हैं पंखुरी पाठक भी यहां मौजूद हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि एक टूल किट काम कर रही है जिसके जरिए कांग्रेस को बदनाम करना। मैं नहीं जानता हूं कि इन प्रवक्ताओं की कौन सी कमजोर नब्ज भाजपा के हाथ में है। अब इनसे मिलिए, गौरव वल्लभ। जब इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था दोस्तों, तो ये कहने लगे थे कि मैं पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि पार्टी सनातन विरोधी हो गई है और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं यानी कि कुछ धन्ना सेठ हैं उनके खिलाफ पार्टी ने रुख बना लिया है। यानी कि साफ तौर पर गौरव वल्लभ वो शख्स हैं जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि भाई अडानी के खिलाफ जो अक्सर राहुल गांधी बोलते हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और पार्टी जो है सनातन विरोधी हो गई थी। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प इत्तेफाक बताता हूं गौरव वल्लभ के बारे में। गौरव वल्लभ ने कुछ ही दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख लिखा था और इस लेख के अंदर वो सीबीआई की महानता का बखान कर रहे थे कि सीबीआई कितनी महान संस्था है। अब आप समझे, इन तमाम नेताओं की कोई ना कोई कमजोर नब्ज भाजपा के हाथ में है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, राधिका खेरा के साथ अगर किसी पार्टी के नेता ने बदतमीजी की थी तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पार्टी छोड़ दी मगर अब आप राम की दुहाई दे रहे हैं। उसी तरह से गौरव वल्लभ ये वो शख्स है जिन्होंने संबित पात्रा को पटखनी दी थी ये बताते हुए कि 5 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। गौरव वल्लभ एक उदारवादी सोच के लगातार इन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। जिस वेल्थ क्रिएटर की बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ, कांग्रेस में बैठे बैठे जिस तरह से अडानी को फायदा पहुंचाया गया उसका जिक्र बार बार गौरव वल्लभ ने किया और अब गौरव वल्लभ ये बात कर रहे हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि राधिका खेरा ने पार्टी ये कहकर छोड़ी कि पार्टी के अंदर राम का अपमान हो रहा है और जो लोग राम मंदिर जाते हैं उन्हें पार्टी टारगेट करती है, सरासर झूठ। याद कीजिए कुछ दिनों पहले जब गौरव वल्लभ पार्टी छोड़कर गए थे तब एक न्यूज चैनल में डिबेट करते हुए राधिका खेरा खुद क्या कह रही थी आपके सामने, राधिका खेरा कह रही थी ये जो लोग सनातन धर्म के अपमान वह श्री राम मंदिर का नाम ले लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं उनमें से एक भी रामलला के दर्शन नहीं करके आया होगा। ये विचाराधीन लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, इन्हें ना श्री प्रभुराम से मतलब है ना किसी विचारधारा से। राधिका खेरा अपने इस बयान के जरिए अपने खुद के चेहरे पर करारा तमाचा मार रही हैं और खुद को आईना दिखा रही हैं। राधिका फिर से गौर कीजिए आपने जो बयान दिया है, ये जो लोग सनातन धर्म के अपमान वह श्री राम मंदिर का नाम ले लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं उनमें से एक भी रामलला के दर्शन नहीं करके आया होगा, ये विचारधाराहीन लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, इन्हें ना प्रभु श्री राम से मतलब है और ना ही किसी विचारधारा से। तो बताइए राधिका जी आपकी विचारधारा कहां गई? मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद ये मोहतरमा भाजपा में दिखाई देंगी। जिस तरह से अरविंदर लवली, जी हां अरविंदर लवली प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्होंने पार्टी छोड़ दी क्या कहकर कि भाई हम आम आदमी पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन है उससे इत्तेफाक नहीं रखते और पार्टी छोड़ दी। ये वही अरविंदर लवली हैं दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कई सालों पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में चले गए थे, कुछ दिनों बाद वापस आ गए थे ये कहते हुए साहब मैं वहां अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा था, मुझे भाजपा के अंदर जलील किया जा रहा था। और अब अरविंदर लवली एक बार फिर पहुंच गए हैं भाजपा के अंदर, साफ तौर पर एक टूल किट दिखाई दे रहा है। यह है रोहन गुप्ता, इनसे कहा गया था भाई गुजरात से चुनाव लड़िए, अब पता था जीतना नहीं है तो बहाना कर दिया और बहाने में क्या कहा, वही बात कि कांग्रेस के अंदर राम का अपमान हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है। ये वो कायर हैं दोस्तों जो एजेंसीज के सामने टिक नहीं सकते, ये वो कायर हैं जो वाकई विचारधारा विहीन है, जिस शब्द का इस्तेमाल राधिका खेरा ने गौरव वल्लभ के लिए किया था और अब खुद उन पर लागू हो रहा है। इन चेहरों को फिर देखिए, राधिका खेरा, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, अरविंदर लवली, इनकी क्या विचारधारा है? थोड़ा सा दबाव बनाया और कुल बुलाने लगते हैं और छलांग लाकर भाजपा में चले जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने चारा फेंका और आपके सामने परिणाम है।
गौरव बल्लभ, इनका ताजा बयान दोस्तों, इत्तेफाकन ये वो गौरव बल्लभ थे जिन्हें कांग्रेस ने एक नहीं दो दो बार चुनाव लड़ाया। जब मल्लिकार्जुन कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उसका पूरा जिम्मा उन्हें दिया गया। पार्टी के एक बहुत ही मजबूत प्रवक्ता थे, मगर फिर रहस्यमय तरीके से पार्टी छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद अपने इस लेख में सीबीआई की तारीफ करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अब उनका ताजा बयान देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जिनके ये अव्वल दर्जे के चमचे हुआ करते थे। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी पर भाजपा नेता गौरव बल्लभ ने कहा, सबसे पहले आपने एक सीट वायनाड से चुनाव लड़ा, आप वहां वोटिंग होने दीजिए, आपने वहां से कुछ इनपुट एकत्र किया होगा। वायनाड में मतदान होने से पहले राहुल गांधी दूसरी सीट के लिए नहीं गए, जैसे ही वोटिंग हुई और इनपुट आया कि जीतने की संभावना कम है, आप दूसरी सीट के लिए चले गए, वो भी अपनी पुरानी सीट नहीं है, वो सीट जहां से आपकी मां चुनाव लड़ती रही हैं। ये वायनाड के लोगों के साथ धोखाधड़ी है, कांग्रेस सेल्फ गोल में है, ये वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं के साथ धोखा है। अब स्वाभाविक सी बात है, इसका पलटवार किया है कांग्रेस ने। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर, गौरव वल्लभ गलीज होने की हद होती है, किस मिट्टी के बने हो। कांग्रेस ने एक नहीं दो दो राज्यों में आपको चुनाव लड़वाया, क्या जनाधार था आपका? आप जैसों को परकाना पार्टी की गलती थी। चार बार के चुने गए सांसद पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश और केरल दोनों से एमपी बन सकते हैं। आपके आका, यानी कि यहां सीधे तौर पर सुप्रिया श्रीनेत जो है करारा हमला बोल रही हैं गौरव वल्लभ पर। दोस्तों, आज की तारीख में जो जो कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं भाजपा में, उन सब के फैसलों के पीछे एक टूल किट है, एक साजिश है। उन सब के फैसलों के पीछे एक मजबूरी है, उसके पीछे एक लालच है। यही वजह है कि इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती है, मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाती है, क्योंकि पीछे लालच आ जाता है, पीछे एजेंसीज आ जाते हैं, और यही कारण इन प्रवक्ताओं में दिखाई दे रहा है। मैं आपका परिचय दो और प्रवक्ताओं से कराना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला और भाजपा नेता कपिल मिश्रा। शहजाद पूनावाला वो शख्स था, कांग्रेस में रहते ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली दिया करता था, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता था कि कांग्रेस भी शर्मा जाए। जी हां, मगर फिर बावजूद इसके इन्होंने छलांग लगाई। क्यों? क्योंकि इन्हें कांग्रेस में वो रुतबा वो पद नहीं मिल रहा था जिसकी इन्हें लालसा थी। महाशय ने छलांग लगाई और अब भाजपा में हो गए। कपिल मिश्रा जब ये आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, तब इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लड़कियों की जासूसी करने का आरोप लगाया था, मगर बावजूद इसके भाजपा ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा दोनों प्रधानमंत्री को गाली दिया करते थे, फिर भी ये भाजपा में शामिल हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर हिंदी की वो कहावत लागू नहीं होती, थूक कर चाटना। अब कौन थूक रहा है, किसका थूक है, कौन चाट रहा है, ये फैसला तो ये नेता करें और वो पार्टी करे जहां ये शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, न्यूज चक्र में आज दूसरा मुद्दा पूरी तरह से भाजपा और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पोल खोल रहा है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में दो ऐसे लोगों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है जिनका आपराधिक इतिहास है, जिन पर गंभीर मामले हैं? वो दो चेहरे कौन से हैं? अनंत सिंह और आनंद मोहन सिंह। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अनंत सिंह को कल ही पैरोल पर रिहा किया गया है और किस तरह से उनके समर्थक जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, क्या ये सुशासन बाबू की राजनीति है? चुनावों में जीतने के लिए आपने अनंत सिंह को रिहा कर दिया, और आपको गौर करना पड़ेगा कि अनंत सिंह को क्यों रिहा किया गया है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए, इनमें तीन चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अनंत सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी जो आरजेडी की विधायक हुआ करती थी मगर विश्वास मत के दौरान भाजपा के पास चली गई, और ललन सिंह जो कि मुंगेर लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत बहुत पतली है, इसलिए अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया गया है, 15 दिन के पैरोल पर।
ताकि वो मदद कर सकें। इस वक्त अनंत सिंह खुलकर रोड शोज कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं चुनाव आयोग यह तमाशा कैसे देख सकता है। अब आपके स्क्रीन पर आनंद मोहन सिंह, कुछ दिनों पहले इन्हें रिहा कर दिया गया था क्योंकि इनकी पत्नी लवली आनंद श्योहर से चुनाव लड़ रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, राजबल्लभ यादव एक और नेता हैं, इन्हें भागलपुर जेल से पटना जेल लाया गया है। क्यों? ताकि वो अपने भाई विनोद यादव की मदद कर सकें जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सब हो रहा है सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में। तेजस्वी यादव तंस कस रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे वक्त तो जंगल राज हो जाता था, अब क्या संतई का दौर है? सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब संत हो गए हैं, हमारे हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। गोधरा कांड में अटल बिहारी जी ने किस पे गुस्सा निकाला था? उसी तरह से दोस्तों अखिलेश सिंह का यह बयान सामने आ गया है, वो कह रहे हैं जेल से बाहर निकलवाकर अब वोट मंगवाया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है। मैं इसमें क्या बोलूं, बीमारी का नाम ये है, तो यही तो कहना है कि ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सवाल है। आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। धन्यवाद। तो विपक्ष के तौर पर मुझको जो कहना था मैं कर दिया, अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बोल दिया, जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया, आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करिए और वोट मंगवाने का काम कराइए। कहां तक न्याय संघर्ष है और चुनाव आयोग भी सब कुछ देखेंगे। आज इस देश की जनता होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, खुलेआम राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। प्राज्वल रवन्ना, वो व्यक्ति जिसने 2500 वीडियोस बनाए औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए, वो व्यक्ति डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर देश छोड़कर भाग गया, प्रधानमंत्री अब भी उस मुद्दे पर चुप हैं। प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया गया है या आनंद मोहन सिंह को कुछ महीनों पहले रिहा कर दिया गया था सिर्फ राजनीति के चलते, आप खामोश कैसे रह सकते हैं प्रधानमंत्री? इसमें आपकी हामी साफ तौर पर दिखाई देती है क्योंकि आप ही की पार्टी ने इस बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा किया। नतीजा यह हुआ कि अदालत को दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि यह सब नहीं होगा। आप इसे राजनीति कहेंगे? क्या इस राजनीति में कोई मर्यादा है? शर्म भाजपा को आती नहीं। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।